सोल्स ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के जो वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपके कौन सी एक ऐसे विश है जो बहुत जल्दी फुलफिल हो जाएगी, आपके कौन सी एक ऐसे विश है जो बहुत जल्दी फुलफिल हो जाएंगे। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइस कुछ है ये। मैं कलकत्ता में हूँ और यहाँ पर वोट हुआ था तो वोट के बाद किसी ने जीता है तो दे आर सेलिब्रेटिंग, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती हूँ, बट मैं अपने वॉल्यूम काफ़ी रेज करके आपसे बात करूँगी ताकि आपको वो नॉइज जो है ज़्यादा सुनाई ना दे, तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग one of your wishes which is going to fulfill very soon. We will see which of your wishes is going to fulfill soon and what is that exactly. तो आपको तीन ऑप्शन है आपके सामने, हाउलाइट के क्रिस्टल, ब्लैक मैजिक रिमूवल के ब्रेसलेट एंड ये है आपके एमिथिस्ट के क्रिस्टल के बॉल। तो क्रिस्टल के बॉल, ब्रेसलेट एंड हाउलाइट के क्रिस्टल्स के जो है आपके क्रिस्टल है, ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आप चॉइस करो। जो भी ऑप्शन आप चॉइस करोगे वही है आपके पिका कार्ड रीडिंग आज के लिए। तो क्विकली शुरू करेंगे रीडिंग, आपके ऑन स्क्रीन आ रही होगी, आप चॉइस करो हाउलाइट के क्रिस्टल, ब्लैक मैजिक रिमूवल के ब्रेसलेट या एमिथिस्ट के क्रिस्टल्स। आपको आपके रीडिंग क्विकली शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सी एक ऐसे विश है जो बहुत जल्दी आपके फुलफिल हो जाएंगी और कब तक फुलफिल होंगे उसके बारे में इन डिटेल्स रीडिंग करेंगे। तो देयर आर थ्री ऑप्शंस ओवर हियर हाउ द पिका कार्ड रीडिंग वर्क्स। यू जस्ट हैव टू फोकस एंड चूज वन ऑफ द ऑप्शन एंड दैट ऑप्शन विच यू विल चूज दैट इज योर पिका कार्ड रीडिंग। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ लाइक दिस एंड देन चूज वन ऑफ द ऑप्शन। द फर्स्ट ऑप्शन इज हाउलाइट क्रिस्टल, सेकेंड ऑप्शन इज ब्रेसलेट एंड थर्ड इज एमिथिस्ट क्रिस्टल्स बॉल। सो इट इज देयर इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन एंड जस्ट गो थ्रू दैट एंड चूज वन ऑफ द ऑप्शन एंड विच एवर द ऑप्शन यू आर चूजिंग दैट इज योर बेसिकली योर रीडिंग। Meanwhile, I will be praying people. I will be praying angels, and then we will be quickly start your reading. Hopefully, you have choose one of the option. दिस वीडियो इज टाइमलेस वीडियो, ये एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। इवन आफ्टर 3 years इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इवन आफ्टर 10 years यू आर वॉचिंग दिस वीडियो इज एप्लीकेबल ऑन यू एंड दिस वीडियो इज फॉर एनी टाइम जोन पर्सन, वेदर यू आर इन इंडिया, US, UK, कैनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर भी आप हो आपके लिए ये रीडिंग है। और ये वीडियो किसी भी जेंडर के लोगों के लिए है, मेल फीमेल ट्रांस जेंडर टू स्पिरिट जेंडर न्यूट्रल जेंडर एंड मैरिड एंड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है, कमिटेड मैरिड अनमैरिड दोनों सब सारे लोगों के लिए ये रीडिंग है। क्विकली शुरू करते हैं आपके रीडिंग। बाकी ऑप्शंस को साइड में रखेंगे और शुरू करेंगे हाउलाइट के रीडिंग। तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, जिन्होंने चॉइस करा था ये हाउलाइट, प्लीज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये वीडियो देख के अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में लिखिए एंड कम्युनिटी टैब के पोस्ट जो भी आते हैं उसके नीचे में लिखते जाइए। इसी तरीका के आपको रिलेशनशिप, कार्मिक कॉर्ड कटिंग, नेगेटिव कॉर्ड कटिंग के ब्रेसलेट आपको मिलेगी और आपको बहुत मतलब अच्छा फायदा रहेगा वो सारे चीज़ों से। तो क्विकली शुरू करते हैं आपके रीडिंग। जिन्होंने हाउलाइट के क्रिस्टल चॉइस करा था, देखते कि कौन सी एक ऐसे विश है जो आपके अभी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। टू ऑल आर्कएंजल्स, आर्कएंजल रफायल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल सैंडालफोन, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल जेडिकल, आर्कएंजल जोफियल, आर्कएंजल जेरीमाइल, King of Pentacles, King of Cups, Queen of Swords,
किंग ऑफ शोर्ड्स एंड नाइन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। जहां तक मुझे ये इस कार्ड को देख के लग रहा है कि आपके बिजनेस या करियर के मैटर में अगर कोई आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो बहुत सालों से, बहुत महीने से, तो वो चीज़ आपके बहुत जल्दी ही पूरा होने वाला है। इधर बिजनेस या करियर के मैटर में आप जो भी करना चाहोगे वो आपके बहुत जल्दी पूरा हो जाएंगे। और यहाँ पर देखते हैं, अ डार्क हेड और फेयर यूथ, पॉपुलर यूथ हु इज़ गुड हार्टेड एंड प्लेफुल कैन ऑल्सो इंडिकेटेड एंड एडमायर। मेरे सामने कुछ इनाम आ रही है, जैसे रोशनी एंड रेशमी and Riya and Prajukta and Preeti and Asha, इन नाम से related कुछ आ रही है। और कुछ लोगों का ऐसे भी नाम आ रही है जैसे कि नासरीन, रुबिया या राबिया या रूबी। डेजी, ये सारे नाम मेरे आंखों के सामने आ रही है, कानों में गूंज रहे हैं। तो हो सकता है कि आप में से किसी की भी नाम ये हो, तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। विद इन अ फ्यू वीक्स के अंदर ही ऐसे कुछ होने वाला है। और मैं देख रही हूँ कि आपके जो भी टॉप ऑब्स्टिकल्स था, इस कार्ड्स के मुताबिक बोला जा रहा है, आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स थे वो काफी टेम्पोररी था। आपके ब्लेसिंग्स अब भी बहुत जल्दी आने वाला है। आपके लाइफ में कोई नेगेटिव एनर्जी क्राम कर रहे थे, कोई ऐसे पर्सन थे जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस था और नेगेटिव एनर्जी लेके आपके लाइफ में एंटर करता था, और उसके बाद ही आपके जो है काम बिगड़ते थे। वो इंसान आपके लाइफ छोड़ के जा रहे हैं और धीरे धीरे विद इन अ फ्यू वीक्स जो है आपके धीरे धीरे द एंसर इज़ टू योर क्वेश्चन इज़ येस, तो मतलब पॉजिटिव चीज़ें होने वाला है। वो कब होने वाला है? जिस दिन से देख रहे हो, 5 वीक्स के बाद, आज से 5 वीक्स एग्जैक्टली 1.5 मंथ्स के बाद। सो मान लो कि ऑलमोस्ट जैसे सितंबर या अक्टूबर में आपके ये जो है आपके एक विश है जो वो पूरा होने वाला है। एंड आपको मैंने अभी बोला कि आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन थे था जो नेगेटिव एनर्जी लाता था, तो उसकी के बारे में बोला जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अनरिलायबल पर्सन थे और जेलस पर्सन था, नेगेटिव पर्सन था, जेलस थे और अनरिलायबल पर्सन थे। गाइज, आई एम वेरी सॉरी, देयर आर बैकग्राउंड नॉइज, there were I am in Kolkata now and there were voting system was going on for last few days and today they have started this music again, so this is a disturbance I know, but I will try to raise my voice so you can hear at least properly. So एक जो है जेलस पर्सन आपके लाइफ में थे और वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके लाइफ में प्रॉब्लम और नेगेटिविटी लेके आया था, और वो अब भी जो है चला गया है बिकॉज या विद इन 1 मंथ वो चली जाएगी या चला जाएगा। उसके बाद देयर इज़ अ गुड पर्सन लाइक जो आपके कोई फ्रेंड बन के या लवर बन के आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, गुड हार्टेड पर्सन रहेगा, बहुत ही यंग एंड काइंड हार्टेड पर्सन है, और उनके डार्क हेयर और फेयर स्किन यूथ है होंगे, और वो आपके एडमायरर भी है और आपको रेस्पेक्ट भी करता है और आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करेंगे आपने आपके लाइफ में ग्रो करने के लिए। So that person will enter in your life and change your life. So those who doesn't understand Hindi, for them, basically there is a wish related to your career which is going to fulfill very soon. And that is the time, like after 5 weeks it is going to happen. And regarding career or business, if you are planning something, you are planning to achieve some goal or planning to get some, you know, you have a plan that I will save this kind of money this year or I will earn this kind of money this year, that is going to happen very soon, and that is going to happen within 1.5 months to 2 months, next 1.5 months to 2 months. How it would happen? There is a negative person who was there present in your life, probably one of your friend, that person is, or one of your relative who was kind of jealous of you, same age of yours,
एंड दैट पर्सन वॉज ब्रिंगिंग ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड डिप्रेशन टू योर लाइफ, बट स्लोली ग्रेजुअली दिस पर्सन विल गो आउट ऑफ योर लाइफ फॉर इन नेक्स्ट 4 weeks एंड द अदर अनदर पर्सन इज गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ हु एक्चुअली रिस्पेक्ट्स यू एंड हु एडमायर्स यू एंड हु हैज good heart and kind heart. That person will help you to grow in your career or in your business. And that person, how you would recognize that person? That person has dark hair and fair complexion, and also this person have very good heart, and he or she is little bit flirtatious and very jolly natured person. So that is how you will understand that person. Person's name should be starting with H, K, J, A, M and V. सो इन्हीं में से शुरू होंगे उस पर्सन के नेम जे ए और जो भी मैंने लेटर बोला, और उनके साथ आपके एक बॉन्डिंग बनेगी और वो आपको आगे करियर में या बिजनेस में हेल्प करेंगे काफ़ी ज़्यादा टू इम्प्रूव एंड ग्रो. तो यही है आपके रीडिंग, आपके एनर्जी के बारे में बात करेंगे. नंबर 5, 23 एंड 14, 4, 22, 31 एंड 13, 1, 10, 19 एंड 28, 7, 25 एंड 16 एंड 8, 26 एंड 17, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगा. और आपके जो जोडियक साइन है वो रहेंगे सेजिटेरियस, एरीज, लियो, जेमिनाई एंड स्कॉर्पियो एंड लिब्रा. इनमें से आपके जो है आपके जोडियक साइन रहेंगे लिब्रे यानी कि तुला राशि, सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, और स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, लियो यानी कि सिंह राशि, जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, एरीज यानी कि मेष राशि. तो इन्हीं में से आपके राशि रहेंगे. और इस वक्त में आप लैवेंडर, रेड, मरून या ब्राउन में कुछ पहने हो, या ब्लैक में या वाइट के कॉम्बिनेशन में कुछ अटायर पहने हो. आप लोगों को टी लवर हो, कॉफ़ी और टी बार बार पीना पसंद है, तो कॉफ़ी या टी लवर हो. और आप हेयर कलरिंग में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हो, हेयर कलर करना, अच्छे अच्छे ड्रेस पहनना, अच्छा ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड शूज पहनना, ये सब आपको बहुत ज़्यादा पसंद है. तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस रीडिंग. और आपको आपके जो है आपके फेवरेट जो कलर है वो पिंक, पीच या रेड या मरूनी होंगे, क्योंकि इसी कलर में सबसे ज़्यादा आपके वार्डरोब में आपके ड्रेसेस होंगे, या इस वक्त में आप वही कलर के अटायर पहन के रखे हो. आप सनग्लासेस पसंद करते हो, या आपके आपके ऑलरेडी ग्लासेस लगी हुई है और हाई पावर के ग्लासेस लगा हुआ होगा आपके, और रीडिंग ग्लासेस लगाते हो आप रीड करने के टाइम में, या सनग्लासेस, ब्रांडेड सनग्लासेस रखना आपको बहुत पसंद है. काफी ज्यादा बड़ा कलेक्शन है ब्रांडेड सनग्लासेस रखना. कोई स्पिरिट मुझे कान में बोल रहा है, कोई ऐसे है जो बार बार पानी पीते रहता है, पानी पी के अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, स्किन केयर रूटीन फॉलो करना, इस तरीका क्या आप लड़का हो या लड़की हो, आपको बहुत ज्यादा पसंद है. और कुछ जो लोग हैं मैं देख रही हूँ कि आप लोगों को ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड शूज, इस तरीका की चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है, एंड पेट लवर आप हो. तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ और आपके क्विकली शुरू करते हैं जो चॉइस किया था ब्रेसलेट. गाइज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में को आप काफ़ी मेहनत करके मैं वीडियोस बनाती हूँ. तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, एक लाइक तो बनता ही है, और वीडियो के नीचे में ज़रूर लिखना और कम्युनिटी टैब के नीचे में ज़रूर लिखना. एंड प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ये नॉइस के वजह से मैं नॉइस आ रही है पीछे से, हेल्प नहीं कर सकती हूँ, ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये रास्ते में चल रहे हैं, घर मेरे रास्ते के साइड में है तो रास्ते में चल रहे हैं. तो अब जो है जिन्होंने चॉइस किया था ब्रेसलेट उनके रीडिंग करेंगे. ये ब्लैक मैजिक रिमूवल के ब्रेसलेट है. ये ब्रेसलेट बहुत अच्छा काम करते हैं आपके लाइफ में. इफ़ यू विश टू टेक दिस ब्रेसलेट यू कैन टेक इट. Eight of Cups, Page of Pentacles, Nine of Swords, King of Swords, Four of Cups and Ace of Cups.
ये जो है ये आपके रीडिंग शुरू करती हूँ कि क्या रीडिंग है आपका बेसिकली, आपके कौन सी एक ऐसे विश है जो पूरा हो जाएगा बेसिकली। अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है जिसके साथ आपके एक लव बॉन्डिंग लव रिलेशनशिप बनेगी और उसके बाद आपके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चलेगा और उसी के साथ आपके शादी होने की चांसेस बन रही है। जो सिंगल्स के सिवा जो लोग कमिटेड हो या रिलेशनशिप में हो, स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छा बनते हुए दिख रहा है, नेक्स्ट कितने दिनों में वो हम डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट कितने दिनों में ऐसे होने वाला है। और जिनके लाइफ से कोई चला गया था वो वापस आते हुए मुझे दिख रहा है कि अगर आपके लाइफ से कोई चली गई होगी या चला गया होगा तो वो वापस आ जाएंगे, इस तरीका से दिख रहा है कि काफ़ी अच्छा कार्ड्स है कि जो चली गई है या चला गया है वो दोबारा रिटर्न कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होते हुए मुझे दिख रहा है। तो डेफिनेटली आपके जो है आपके एनर्जी के बारे में भी बात करेंगे। आप एक सिंगर हो सकते हो, डांसर हो सकते हो, म्यूजिशियन हो सकते हो, फैशन डिज़ाइनर हो सकते हो, क्रिएटिव डिज़ाइनर हो सकते हो, क्रिएटिव फील्ड के रिलेटेड कोई काम कर सकते हो, फाइनेंशियल फील्ड रिलेटेड कोई काम कर सकते हो, जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, इस तरीका के कोई काम कर सकते हो, बैंकिंग सेक्टर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इस तरीका से काम कर सकते हो। या आप हो, ज़्यादातर लोग क्रिएटिव फील्ड के लग रहे हैं या बैंक सेक्टर के लग रहे हैं, या आप हो जैसे कि आप आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर से हो सकते हो, आईटी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्ट इस तरीका के जो है आप हो सकते हो, या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट इस तरीका के हो सकते हो। आपको आपने कुछ प्लान करा है, आपको यूनिवर्स कह रहा है कि उसी के साथ प्लान के साथ बने रहिए और खुश रहिए, आपके आपको जो है आपके सब कुछ जो जैसे आप चाहते हो वैसे मिलता जाएगा। और आप एक डॉक्टर भी हो सकते हो, ऐसे दिख रहा है कि जैसे कि एनर्जी आ रही है कि आपके डॉक्टर या मेडिकल फील्ड रिलेटेड, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, मेडिकल बिलर, नर्स, डॉक्टर, मेट्रॉन, या आप इमरजेंसी बेसिस में काम करते हो, या ग्रुप डी ग्रुप सी स्टाफ, ऐसे कुछ हो सकते हो डॉक्टरी में भी, तो आपका ये सारे काम हो सकते हैं, या फ्रंट डेस्क, हेल्प डेस्क, रिसेप्शनिस्ट, इस तरीके के भी काम कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन, एचआर, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट। तो आपके जो है आपके रिलेशनशिप जो है वो शुरू होने वाला है, किसी नए पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप शुरू होने वाला है। और अगर आप कोई रिलेशनशिप में थे या आप रिलेशनशिप में कोई किसी के साथ थे और वो उसने आपको छोड़ के गया है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाएगा। और आपको बोला जा रहा है कि जो नया रिलेशनशिप है वहाँ पर हमेशा सच बोलते रहो, सच बोलते रहो। कुछ एनर्जी मेरे सामने आ रही है 9, 18, 27, 4, 22, 31 and 13, आसिमा या अमीशा, ऐसे कुछ नाम आ रही है मेरे कानों पे गुजरे, आसिमा, अमीशा, आजमा, रोहित, राज, रेखा, इंद्रजीत, इंद्रानील, ईरा, मोहिनी, मार्था, मेशा, ऐसे नाम मेरे आंखों के सामने आ रही है। एनीवे, जस्ट लेट मी नो फॉर हुम आम आई टॉकिंग अबाउट। सो आई वुड डिस्कस योर एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर लिटिल डिप्रेस्ड एंड राइट नाउ बिकॉज देयर इज अ पर्सन who is in a relationship with you. I'm very sorry for this background noise, guys. There, I'm in Kolkata and there is some boating stuff going on and some party, some group has owned this vote and then they are, you know, started this music all of a sudden. So I just can't stop making my videos because of these vote things are going on. It is going on since last 7 days. You love to sing and you are probably a singer or probably from medical field, doctor, nurses, medical biller, matron, group C, group D staff in medical field, or biochemist, pathologist, radiologist, something like that. And
basically you like to laugh, you are a very jolly kind-hearted person, and currently you are wearing a blue color or white color shirt, t-shirt, dress top, or yellow and green color shirt, t-shirt, dress tops, or white color shirt, t-shirt, dress top, night gown, skirt, whatever. Your attire should be that color. And currently I'm seeing that you are depressed about that particular that relationship, why that did not work out well in your relation in your life. But trust me, that person is going to come back in your life in next 4 to 5 weeks. Next 4 to 5 weeks means next within a month, you that person will be entering in your life, with whom your no contact situation is going on, and there is a third party issues going on. This person will come back to your life, and if you are single, then you are going to meet someone with whom you are going to get married in future, and that this relationship is going to be permanent forever. And when you are going to meet them, almost after 3 months or 2 months, 2 months or 3 months. In between 2 months, 3 months time, you will be meeting that new person, and you will be laughing with them, enjoying with them. They will be like dancing with you, singing with you, spreading light together, and you will be dancing in rain. We are going to dance in rain. We are going to enjoy. We are going to get commitment. So that is how that is going to happen in our life, like in your life, through in like when it is happening in your life. So I would say our life, because you are almost like you are my family. So this is going to happen, but only one thing you have to remember, that whenever this new connection you build up, you need to tell them truth about everything, starting to ending. Don't hide anything, because this particular person like to know the truth. If you will hide something, you will lose this person. This is going to be your permanent relationship next permanent relationship. So clear the fog. That means clear those energy which is actually not good. Before this person enter in your life, clear those negative energy, and always tell them the truth. Don't keep them in that foggy situation. Always tell them the truth and create a bond. See, you will be having a great bonding with this particular person. And अब जो है, अब जो लोग इंग्लिश नहीं समझती है, हिंदी समझते हैं, तो उनके लिए बोला जा रहा है कि एक जो नया पर्सन आ रहा है, वो उसके साथ आप एक बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट करोगे, और आपके पुराना पर्सन भी जो है, जो छोड़ के गए, वो जब वापस आएंगे तो आप उनके साथ भी एक बहुत ही बढ़िया बॉन्डिंग क्रिएट करोगे. इस बारी जो है इतना अच्छा बॉन्डिंग रहेगा कि आपके आपको वो कमिटमेंट दे देगा, या आपसे शादी हो जाएगी उसके, या शादी कर लोगे आप उनसे. और ये भी हो सकती है कि आप और वो दोनों मिलके एक साथ रहना शुरू कर दो इमीडिएट बेसिस में. इस तरीका के एक पॉजिटिव चीज होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन प्रोवाइडेड दैट आप हर चीज उन्हें बोलो, जैसे वो भी आपको हर चीज सच्चाई से बताएगा, तो आप भी हर चीज बोलो, कुछ भी मत छुपाओ, और एक बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश करो, मैजिक क्रिएट करने की कोशिश करो. हंसते रहो, मस्ती मजा करते रहो, और एक दूसरे के साथ ट्रैवल करते रहो, तो ये चीज होंगे, क्योंकि आप भी ट्रैवल फ्रेंडली हो, वो भी ट्रैवल फ्रेंडली है, वो दोनों ट्रैवल करना पसंद करते हैं, और दोनों ही सच्चाई के रास्ता और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना पसंद करते हैं. और आप जो है, आप जो भी बोलते हो, जो भी चाह रहे हो, तो आप उनमें से बीच बीच में जैसे इस इंसान को बोलते, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ऐसे मत करना. तो ये चीज़ है कि आपके स्पाउस के साथ, अगर आप शादीशुदा हो, आपके स्पाउस के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनने वाला है. आप लोग कोई फॉरेन लैंड ट्रैवल करने वाले हो. अगर आप शादीशुदा नहीं हो, अनमैरिड हो, तो आपके पार्टनर, जो आपके अगर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है जो चली गई है या चला गया है, वो वापस आएगा. और अगर आप सिंगल हो, आपके लाइफ में कोई नए पर्सन एंटर करने वाले हैं, जिसके साथ आगे में आपके परमानेंट रिलेशनशिप रहेगी. तो यही है आपकी रीडिंग. और आप इस वक्त में वाइट एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में कुछ पहने हो, या वाइट एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में, या वाइट एंड येलो के कॉम्बिनेशन में कुछ ना कुछ ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट, टॉप, ऐसे कुछ पहने हुए हो. और आप लोगों को दोनों को ही ट्रैवल करना पसंद है, और आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ है 4/20
32, 31 and 13, 3, 30, 21 and 12, 1, 2, 20, 11 and 29, 9, 18, 27, 6, 24 and 15. इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ है. आपको बोला जाए स्प्रेड द लाइट. इस बार जब जो भी हो सारी चीज पॉजिटिव करो, पॉजिटिव रहो, ईगो में मत जाओ, ईगो इश्यूज को डाउन करो. और कभी कभी जैसे आप नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हो, नेगेटिव थॉट्स मत रखो, चीज आपके लिए काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे. कभी कभी आप रात में बैठ के स्टार्स गिनते रहते हो, स्टार्स देखते रहते हो, आसमान की तरफ देखना आपको बहुत ज्यादा पसंद है. सिर्फ बैठे रहोगे और आसमान की तरफ देखोगे. कुछ दिन पहले ही आप बीमार हुए थे, शायद 4 महीना हो गया है या 15-20 डेज पहले की बात है जब आप काफी बीमार थे, बट थिंग्स हैज चेंज नाउ. तो अभी बहुत अच्छा देख पा रही हूँ आपके लाइफ में, सब कुछ अच्छा होने वाले है. नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आपके होंगे सी एस पी डी आई जी एल आर टी. इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं जे के इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ और क्विकली शुरू करेंगे आपके रीडिंग जिन्होंने चॉइस करा है. एमेथिस्ट के क्रिस्टल. काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल. गाइस काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो. सब्सक्राइब माय चैनल. बेल नोटिफिकेशन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे. और वीडियो के नीचे में लिखना मत भूलिए और कम्युनिटी टैब के नीचे मत लिखना मत भूले. आपको इस तरीके के ब्रेसलेट मिल सकते हैं. तो क्विकली शुरू करते हैं आपके रीडिंग जिन्होंने चॉइस करा था एमेथिस्ट के क्रिस्टल. Five of Pentacles, the Hermit, King of Wands, and Three of Wands, and Pages of Wands, and Three of Swords. तो आपके कौन सी एक विश है जो आपके पूरा होने वाला है? एक नहीं, दो तीन विश आपके पूरा होने वाला है. पहला विश है कि अगर आपने कोई वीजा के लिए अप्लाई करा है तो वो वीजा जो है प्रोसेसिंग आपको हो जाएगी, आपको वो क्लियरेंस मिल जाएगा जाएगा. और दूसरा जो आपके एक विश है जो पूरा होने वाला है वो है कि आपके लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर करने वाला है. और आप लोग जो सिंगल हो, आपके जो अकेलापन है, जो आप सोचते हो कि कब मुझे कोई मिलेगी, तो वो चीज आपको होने वाला है. आपके लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर करने वाला है. अब इन डिटेल्स देखेंगे कि कब एंटर कर रहे हैं, कौन आ रहे हैं, किस तरीके से. उन्हीं के साथ आपके अभी मैरिज होने वाला है, जो आगे में मैरिज उन्हीं के साथ होगी. और आपके अगर वीजा के काम रुका हुआ है, वीजा पेपर रुका है, डॉक्यूमेंटेशन रुका हुआ है, आप बाहर जाना चाहते हो, फॉरेन कंट्री में सेटल होना चाहते हो, वो नहीं हो पा रहे हो, तो वो होने वाला है आपके बहुत क्विकली. बिजनेस में अगर सक्सेस नहीं मिल रहा है वो भी होने वाला है. और एक बिजनेस ट्रिप या एक फॉरेन कंट्री या फॉरेन लैंड में ट्रिप आपके होने वाला है. वर्क और बिजनेस में काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा था लेकिन वो प्रॉब्लम खत्म होने वाला है. अगर रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके रिलेशनशिप ठीक होने वाला है और सारी चीज ठीक होने वाला है. कोई पार्टी या ऐसे भी आप थ्रो करोगे जब रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे, तो हो सकता है कि एंगेजमेंट पार्टी हो या रोका पार्टी हो, इस तरीके से है. और आपके बिजनेस में भी मैं देख रही हूँ कि अगर बिजनेस में कोई भी चीज ठीक नहीं चल रहा है तो अच्छा होने वाला है, सक्सेस आपको मिलने वाला है. आप आराम आराम से काम करो,
अनफेवरेबल जो सिचुएशन था वो फेवरेबल होने वाला है, और कोई वाटर साइन के पर्सन है, जो कोई लड़का या लड़की वाटर साइन के है, जैसे कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, वृश्चिक राशि, कर्क राशि एंड मीन राशि के होंगे, उनके जो हॉरोस्कोप के मुताबिक वो वाटर साइन के जो पर्सन है आपके लाइफ में एंटर करने वाला है, सिंगल के लिए गुड न्यूज, उनके साथ आपके रिलेशनशिप काफी स्ट्रांग रहेगी और रहेगा, और उनके साथ आपके शादी होने के आगे में चांसेस है। फेयर हेयर पर्सन मतलब हो सकता है कि उनके बाल थोड़ा थोड़ा ग्रे हो, या उन्होंने बालों को कलर किया है, जैसे कि ब्लॉन्ड्स लोग करते हैं वैसे बालों को कलर कराए, उस तरीके से गुड नेचर के रहेंगे, वाटर साइन के रहेंगे, हेल्पफुल पर्सन रहेगा और केयरिंग रहेगा, और काफी ज्यादा टॉल होंगे, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो, काफी टॉल है, अट्रैक्टिव फीचर्स के पर्सन होंगे, और ये जो है ज्यादा बात नहीं करता है, ये जो इंसान है कम बात करते होंगे, थोड़ा रिजर्व रहने वाला इंसान रहेंगे, जिनके जो आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। मैं एक नाम मेरे सामने बार बार आ रही है, जैसे कि निर्मला एक नाम जो है बार बार आ रही है, शीतल, निर्मला, ठीक है, सोहिनी एंड श्यामा, शायोली, लाइक दिस टाइप ऑफ नेम, शायोनी या शायली, इस तरीका के जो नेम है वो सामने बार बार आ रही है मेरे आंखों के सामने या कानों में गूंज रहे, ये इस तरीका के नेम, तो मुझे जरूर बताना। तो उस तरीका के इंसान आपके जो सिंगल्स है उनके आपके लाइफ में आने वाला है, जो आप लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, तो वहां पर मैं देख रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में ब्रेकअप अगर चल रहे हैं, तो आपके वो ब्रेकअप सिचुएशन खत्म होने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। सिंगल्स के लाइफ में ये जो पर्सन आने वाला है वो नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में आने वाला है, और नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आपके वीजा के पेपर क्लियर होने वाला है, जिनको वीजा अभी तक नहीं मिला है या फॉरेन कंट्री आप ट्रैवल करने वाले हो, और बिजनेस में भी सक्सेस आ रही है, लेकिन बिजनेस में सक्सेस आपको आ रहे हैं ऑलमोस्ट मंथ ऑफ अक्टूबर के बाद, मतलब 3-4 महीने के बाद आपके बिजनेस में या करियर में सक्सेस, खास करके बिजनेस में है तो बिजनेस में सक्सेस, और बिजनेस ट्रिप के लिए आप फॉरेन कंट्री ट्रैवल करने वाले हो, आपको कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, तो ये बहुत ही अच्छा मुझे दिख रहा है कि अभी आपके जो ये विशेष है पूरा होने वाला है। और डेफिनेटली अगर आपके पैसा का कमियां है तो वो भी जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो नेक्स्ट 3 आफ्टर अक्टूबर वो खत्म होने वाला है। तो कई सारी चीज इस फाइल में जिन्होंने चॉइस करा था एमिथिस्ट के क्रिस्टल, कई सारी चीजें होने वाला है आपके साथ, आपके एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जिन लोगों को हिंदी नहीं समझ में आती है उनके लिए इन इंग्लिश, देयर आर 3-4 थिंग्स विच इज गोइंग टू फुलफिल इन नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स, almost next 3 months. So first of all, you are going to meet with some person who is basically fair-headed or blonde-headed person, and or they have colored their hair like that, and that person is very kind-hearted, they don't talk much, they are kind of a reserved person, and they are very affectionate, fair and helpful person, they always being fair and not judgmental towards anyone, they are very caring person, they are tall in height, like they are tall in personality and very attractive person. That person will meet you and you will be having a great bonding with that person. This is kind of a permanent relationship, either you will marry them or you will get engaged with them, that these things is going to happen next. And now if you are doing some business, you are going to travel abroad through because of some business purpose and going to get a very big project in next 3 to 6 months, and most probably next after October, and after October or on month of October this is going to happen with you. And if you are, you know, there is a breakup situation is going on in your existing relationship, this breakup is going to be over, this person will come back and talk to you, and you both will create a bond within 3 months that they will be proposing you for marriage. So that is all is going to happen. If you are struggling financially in career, so things are going to be fine in next 3 months. So this is all, these things are happening, going to happen next. I will talk about your energy, so you will know that with about whom I'm talking to, with whom, like I'm talking about who, which all the people, so you will know through your energy. Let me talk about your energy first.
So your date of birth could be 8, 26 and 17, 9, 18 and 27, 1, 10, 19 and 28, 5, 23 and 14 and 6, 24 and 15. That is your date of birth, and 3, 30, 21 and 12. Your name's first and last letter of the name would be K, J, I, M, N, O, P, S, B, D and C. इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम रहेगी. फर्स्ट या लास्ट, योर फर्स्ट और लास्ट लेटर ऑफ द नेम वुड बी दिस. एंड आई एम गेटिंग सम एनर्जीज लाइक फ्लावर एनर्जीज. यू ईदर ऑफ यू लाइक यू आर नॉट ईदर ऑफ यू, यू लव फ्लावर्स, स्पेशली रोजेस, रेड रोजेस, पिंक रोजेस, यू लव देम. And you are from communication field. You are into HR, admin, business development, marketing, help desk, front desk, or doctor or nurses, or in any profession where government or non-government organization where people talk to those public directly. So aap communication field se ho, jahan par log ek dusre ke saath baat karte hain, jaise ki aap HR, admin, business development, marketing, teacher, professor, faculty, doctor, nurses, jo bhi aise profession ho jahan par log directly public ke saath baat karte hain, us tarika ke profession mein ho. Ya aap koi aise insaan ho jo basically ek bahut hi bada engineer हो, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, या आप कोई भी इंजीनियर हो सकते हो या साइंटिस्ट हो, जैसे कि एरोटिक रोबोटिक साइंटिस्ट हो, एरोनॉटिकल साइंटिस्ट हो सकते हो, या आप हो सकते हो कि साइंटिस्ट लाइक कैसे बोलू, कौन सी साइंटिस्ट, हाँ एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हो सकते हो, इस तरीके के कोई साइंटिफिकल या रिसर्च फील्ड से हो सकते हो. एंड आप हो सकते हो शेफ या फूड डिपार्टमेंट में काम करते हो, शेफ या हो सकते हो, या आप हेड शेफ हो सकते हो, या फूड क्वालिटी चेक ऑफिसर हो सकते हो, फूड ऑफिसर हो सकते हो, इस तरीके के FMCG बैकग्राउंड, फास्ट मूविंग कंज्यूमर सर्विस में आप हो सकते हो, FMCG सॉरी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इस के जो फील्ड है उसमें आप काम कर सकते हो. इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी. यहाँ पर ये रीडिंग कंप्लीट होते हैं. आप लोगों को बस ये इतना ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कम्युनिटी टैब के नीचे में जो पोस्ट होती है उसमें भी लिखें और वीडियो के हर वीडियो के नीचे में भी लिखें. कई लोग मुझे कहते हैं कि दीदी मैंने तो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियो में कॉमेंट्स भी करती हूँ, लेकिन मुझे क्यों नहीं मिलते. 1, 2, 10 कॉमेंट्स में नहीं मिलते हैं. जब आप वीडियो को लगातार कॉमेंट्स करते रह जाते हो 3 मंथ 6 मंथ से, तब जाके आपको फ्री रीडिंग या फ्री इस तरीका के ब्रेसलेट मिलती है. क्योंकि ये ब्रेसलेट मुझे भी तो 1000 रुपीज कॉस्ट करते हैं, तो ब्रेसलेट मुझे 1000 रुपीज कॉस्ट करते हैं, और फिर आप जो है आपको मैं हीलिंग डाल के भेजूंगी, तो इट कॉस्ट अ लॉट. तो मैं यूं ही क्यों दूंगी, अगर मुझे कोई सपोर्ट कर रहे हैं तब भी मैं दूंगी, अगर चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं कुछ तो एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए. ऑलरेडी मैं मुफ्त में ब्रेसलेट दे रही हूँ, हीलिंग दे रही हूँ, रीडिंग दे रही, तो कुछ एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप लोगों को भी कुछ एफर्ट डालना है. सिर्फ सब्सक्राइब करके 2 दिन बाद लिखने से नहीं होगी. इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ. थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू.